दोस्तों, आज भी देश में ऐसे मजदूर हैं जो परिवार की स्थिति कमजोर होने के कारण साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते, जिसके कारण मजदूरी करने ऑटो रिक्शा में जाते हैं और मजदूरी का आधा पैसा किराया में चला जाता है, जिससे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने देश के सभी असंगठित मजदूरों का श्रमिक कार्ड बनाना शुरू कर दिया है, ताकि देश के सभी गरीब मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जा सके। दोस्तों, इसके साथ साथ सरकार ने सभी श्रमिक कार्ड वाले मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए देने की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ कागजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर। दोस्तों, यह फॉर्म आप किसी भी जनसेवा केंद्र से भर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का फॉर्म आप खुद अपने मोबाइल से स्वयं भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको सरकार की वेबसाइट upbocw.in को गूगल के सर्च में टाइप करके ओपन करना होगा। इसके बाद इस योजना से जुड़ी सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा। फिर आवेदन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, जिसे सिलेक्ट करने पर फॉर्म खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। फिर फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरकर श्रम विभाग में जाकर जमा कर देना है। इस प्रकार फ्री साइकिल योजना का फॉर्म भर सकते हैं और आपको इस तरह से कुछ दिनों में सरकार की तरफ से फ्री में साइकिल प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार की और भी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिएगा।